नमस्कार, न्यू इंडिया वीकली में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीआईओ पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने अपनी भारतीयता बनाए रखी है और अनेक देशों में हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे पद भी ग्रहण किए हैं। नीति आयोग द्वारा आयोजित इकोनॉमिक पॉलिसी द रोड अहेड के विचार विमर्श सत्र में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। कैबिनेट ने एफडीआई पॉलिसी में अनेक संशोधनों को मंजूरी दी है। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। साथ ही फॉरेन एयरलाइंस को एयर इंडिया में अप्रूवल रूट के तहत 49% इन्वेस्ट करने की अनुमति दी गई है। इन संशोधनों से एफडीआई इनफ्लोस बढ़ेंगे, जो इन्वेस्टमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में उल्लेखनीय योगदान देंगे। इसरो ने 100वीं सैटेलाइट पीएसएलवी C40 सफलतापूर्वक लॉन्च कर एक बार फिर इतिहास रचा। कुल 31 सैटेलाइट में से अन्य देशों की 28 सैटेलाइट्स लॉन्च की गईं। नए साल में इस सफलता से नागरिकों, किसानों, मछुआरों आदि को स्पेस टेक्नोलॉजी में देश की तेजी से बढ़ोतरी का लाभ पहुंचेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की मुंबई में नींव रखी। इस प्रोजेक्ट की लागत 300 करोड़ रुपए है, जो कि 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इससे 1.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को भारत नेट फेज 1 से जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इससे 2.5 लाख गांवों और 20 करोड़ से भी अधिक रूरल इंडियंस को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस का लाभ मिलेगा। भारतीय रेल ने अपने रिसर्च आर्म RDSO में न्यू ऑनलाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का शुभारंभ किया। इससे स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस को अधिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा। अटल पेंशन योजना का लाभ 80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ये तो थी इस हफ्ते की डेवलपमेंट्स। और डेवलपमेंट्स जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए mygov.in और transformingindia.mygov.in पर।